नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग का, ये देखिए दोस्तों S21 Ultra। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूँगा, इसके बॉक्स को दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और इस फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये एक काफ़ी कॉस्टली डिवाइस है और ये एक 5G फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों ये फ़ोन आपको कितने का मिलेगा अगर आप लेना चाहते हो तो, और इस फ़ोन के अंदर दोस्तों मैं क्या क्या फीचर मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इस सब को दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो और बने रहें और वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं और आपको इसके फीचर के बारे में बताता हूँ और प्राइस बताता हूँ। दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra का बॉक्स। ये देखिए, ये मेरा 5G वाला फ़ोन है, सैमसंग गलेक्सी S21 Ultra, जो कि दोस्तों 2021 का एक काफ़ी फ्लैगशिप फ़ोन रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स है। वैसे दोस्तों ये बॉक्स खुला हुआ है क्योंकि मैंने चेक किया था, पर फिर भी मैं आपके सामने एक अनबॉक्सिंग शेयर कर रहा हूँ। तो ये बॉक्स है दोस्तों, ये काफ़ी पतला बॉक्स है क्योंकि आपको पता ही है कि आप बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं आता। तो साइड में दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ सैमसंग गलेक्सी S21 Ultra 5G, सामने दोस्तों S21 की काफ़ी बड़ी एक बेजिंग दी गई है, यहाँ पर भी सैमसंग गलेक्सी, यहाँ पर भी दोस्तों दिया गया है गलेक्सी S21 Ultra 5G। तो चलिए उसकी एलईडी की बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों ऊपर कुछ ज़्यादा दिया गया नहीं है, इसमें हमें क्या क्या मिलता है जैसा बताया गया है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। इसकी MRP की बात करूँ दोस्तों तो वो है 1,29,000 रुपये, बट दोस्तों ये एक्चुअल में कितने का है तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इधर हमें कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है हमें फ़ोन, देखिए काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी इसको अभी दिखाता हूँ, साइड में रखता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ और क्या मिलता है हमें। तो इसके अंदर हमें एक बॉक्स और मिलता है, देखिए इस बॉक्स के अंदर आप दोस्तों आपको केबल मिलती है, और दोस्तों एक पेपर मिलता है लॉक गाइड, बाकी कुछ नहीं मिलता। तो मैं साइड में रखता हूँ। जो केबल है दोस्तों USB टाइप सी टू टाइप सी केबल, दोस्तों देखिए दोनों तरफ आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ये देखो। तो इसके लिए दोस्तों आपको 25 वॉट का चार्जर अलग से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मोबाइल जो है हमारा जब 25 वॉट को सपोर्ट करता है। तो ये देखिए ये है फ़ोन दोस्तों। सबसे बात करता हूँ मैं इसके डिज़ाइन की, तो हमें दोस्तों पीछे दिया गया है ग्लास में ग्लास बॉडी, बट दोस्तों ये एक टेक्चर वाला डिज़ाइन है, एकदम स्लीपरी नहीं है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट इसके अंदर हमें दी गई है कोरियन गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक दोनों तरफ, आगे भी दोस्तों और पीछे भी। दोस्तों इसमें जो मेन कैमरा है इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, चार कैमरे मिलते हैं, बट दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का, और बाकी कैमरे दोस्तों इसके 12-12 मेगापिक्सल के हैं। तो कैमरे का दोस्तों कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, आपकी काफ़ी अच्छी इसमें फ़ोटो आती हैं। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका डिस्प्ले के अंदर दिया गया है जो कि है दोस्तों 44-40 मेगापिक्सल का। इस साइड में दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलता, ये एकदम खाली है। इस साइड दोस्तों आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन ये देखिए, और यहाँ दोस्तों पावर की बटन मिलता है। नीचे दोस्तों आपको स्पीकर मिलता है, ये USB टाइप सी पोर्ट है, और ये दोस्तों सिम ट्रे जिसमें दोस्तों आप दो नैनो सिम लगा सकते हो। मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसके अंदर देखने नहीं मिलता, और ना ही दोस्तों आपको इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। तो आपको सिर्फ दो सिम लगाने का ही स्लॉट मिलता है, तो आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलती है यहाँ से यहाँ तक 6.8 इंच की क्वाड HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक डायमानिक एमोलेड डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको क्वाड HD का सपोर्ट मिलता है, यानी 2K डिस्प्ले है दोस्तों, ये फुल HD नहीं है, 2K डिस्प्ले है। तो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है हमारी 2K वाली। इसके ऊपर दोस्तों आपको ये देखिए
दो नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलते हैं डबल, जिसमें दोस्तों आपको कॉल क्वालिटी काफ़ी बेहतर होकर मिलेगी। और दोस्तों इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है डिस्प्ले के अंदर। चलिए दोस्तों मैंने इसको ऑन तो कर ही लिया है, मैं आपको डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट का जो है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए फ़ोन हमारा एकदम लॉक है, कोई भी फिंगरप्रिंट का यहाँ पे जो निशान बना हुआ नहीं है, फिर भी ऑनलॉक हो जाएगा देखिए। तो दोस्तों जी इसकी खासियत है कि भले ही डिस्प्ले के ऊपर कोई भी लाइट ना हो और ना ही फिंगरप्रिंट का दोस्तों जो यहाँ बस बना हुआ आता है चिन्ह ना हो, फिर भी आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट अगर आपने सेट किया हुआ है तो अनलॉक हो जाएगा देखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे फिंगरप्रिंट किस जगह पर है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको सुपर सोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अल्ट्रासोनिक वाला जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है ये। तो आप डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इसकी। दोस्तों इसकी रैम की बात करूँगा, रैम रोम की, तो जी दोस्तों मेरे पास 12 GB और 256 GB वाले वेरिएंट, जिसके अंदर दोस्तों आप 256 GB तक यूज कर सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं ला सकते, बट दोस्तों 256 GB काफ़ी होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें मिलता है हमें एक्जिनोस का 2100 प्रोसेसर, एक्जिनोस का 2100 प्रोसेसर मिलता है, जो कि दोस्तों एक 5nm पर बेस्ड बना हुआ है। तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी दोस्तों इस फ़ोन के अंदर काफ़ी तगड़ी वाली मिलने वाली है, क्योंकि एक्जिनोस 2100 जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बट हाँ दोस्तों उतना नहीं है जितना दोस्तों स्नैपड्रैगन का 888 वाला है, बट उससे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों स्नैपड्रैगन का 888 वाला जो प्रोसेसर है वो जितने भी फ़ोनों में हमें दोस्तों मिला है वो सारे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, चाहे दोस्तों आप उनसे रिकॉर्डिंग करो या गेम खेलो, जब भी आप उसको हैवी टास्क में लोगे तो दोस्तों वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप होते हैं इसके मुकाबले, 2100 के मुकाबले, तो इसलिए जी हमारा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी बैटरी की, तो दोस्तों इसके अंदर मिलती है हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जिसके साथ दोस्तों आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट दोस्तों जो चार्जर है वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये डाटा केबल जी है ये मिलती है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप फ़ोन लेने जाओ तो आपको एक चार्जर तुरंत परचेज करना पड़ेगा। आपको जो फ़ोन होते हैं छोटे मोटे उनके चार्जर से ये फ़ोन चार्ज नहीं होने वाला, अगर आप चार्ज करने की कोशिश भी करते हो तो इसकी बैटरी दोस्तों ख़राब हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तुरंत ही एक चार्जर भी परचेज करना है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके स्पीकर की दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर हमें डुअल स्पीकर मिलता है, एक आपको नीचे मिलता है इधर घेरा और दूसरा मिलता है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर यहाँ ऊपर, तो आपको इसके अंदर दो डुअल स्पीकर मिलता है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वालिटी देता है हमें। दोस्तों प्रोडक्शन की बात करूँ तो इसके फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपको मिलता है कोरनेन गोरिल्ला ग्लास वेक्टस का प्रोटेक्शन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर बैग में कवर लगा के रखें और दोस्तों इसके डिस्प्ले पे भी कुछ प्रोटेक्शन यूज जरूर करें, जिससे आपके फ़ोन को कोई दिक्कत ना आए, आपका फ़ोन एकदम स्मूथ चल सके। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की, तो दोस्तों ये फ़ोन जब आप मार्केट से लेने आओगे तो दोस्तों इसकी कीमत करीब 130,000 के आसपास है, बट ये फ़ोन आपको 105,000 का आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसका पेमेंट कैश में करते हो तो, क्योंकि दोस्तों जियो फ़ोन है ये 105,000 रुपये का फ़ोन है, जिसके अंदर आपको दोस्तों कोई भी चार्जर देखने में मिलता तो चार्जर दोस्तों आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो 105,000 रुपये का दोस्तों ये डिवाइस है, ये इस प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं सैमसंग की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।